नमस्कार, मैं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। अपने कानूनी संरक्षक की हिरासत से बाहर होने के बाद स्वेच्छा से शादी करने के बावजूद एक नाबालिग लड़की अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा है कि घर से भागकर शादी करने वाली नाबालिग लड़की को अपने पति के साथ रहने का वैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बालिग होने तक उसे सुरक्षित आवास में सुविधाओं के साथ रहने की व्यवस्था करें। कोर्ट ने कहा है कि जब लड़की बालिग हो जाए तो वह अपनी मर्जी व पसंद से जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है। उस समय पर शून्यकर्णी विवाह का मानने या उसे शून्य घोषित करने के लिए स्वतंत्र होगी। कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज से लड़की को सुरक्षित हापुड़ के एसपी तक पहुंचाने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रदीप तोमर व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका में न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें नाबालिग लड़की को अपने पति के साथ रहने की छूट दी गई थी। लड़की ने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था और पति के साथ रहने की इच्छा जताई थी। हाई कोर्ट ने नाबालिग को उसकी मर्जी से पति के साथ रहने के आदेश को विधि विरुद्ध मानते हुए रद्द कर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार याची ने बेटी के अपहरण की प्राथमिक दर्ज कराई। लड़की हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार 16 वर्ष की है। लड़की ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा कि वह अपनी मर्जी से गई है और उसने अपनी मर्जी मुताबिक आरोपी से शादी की है। मजिस्ट्रेट ने लड़की को पति के साथ रहने की अनुमति दे दी, जिसे पिता ने चुनौती दी और कहा कि बेटी नाबालिग है, इसीलिए पिता की मर्जी के खिलाफ उसे किसी दूसरे के साथ रहने की छूट नहीं दी जा सकती। वह नैसर्गिक संरक्षक है और लड़की का विवाह शून्य है। अब यहाँ बात यह आती है कि 72 साल बाद भी हमारे देश में जागरूकता की अभी भी कमी है। भारत में कानूनी तौर पर लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। भारत में तमाम जागरूकता के बावजूद कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ बाल विवाह के प्रकरण या फिर लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। हालांकि ये सब काम चोरी छिपे किए जाते हैं, लेकिन जब भारत में कानूनी तौर लड़की के विवाह की उम्र 18 साल की रखी हुई है तो कैसे लोग अपनी बहन अपनी बेटियों की शादी इतनी कम उम्र में कर देते हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है शायद जागरूकता की कमी, सामाजिक मानसिकता, गरीबी और कम बेहतर आर्थिक अवसर। 72 सालों के बाद भी भारत में अभी भी बेटियों को लेकर वही पिछड़ी सोच है, जिसके कारण कुछ लोग नाबालिकाओं की चोरी छुपे शादी कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कानून में सिर्फ एक लाइन बदलने से कुछ नहीं होता है, इतने कानून बदलने के बाद भी लोग छिपकर शादी कर ही देते हैं और सोचते हैं कि लड़की इज्जत से शादी करके चली जाएगी तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और समाज में उनकी बदनामी होने का डर खत्म हो जाएगा। इस तरह की गंभीर समस्या का हमारे बीच बनी रहने की एक समस्या और भी है। महिलाओं को देश की प्राथमिक जनसंख्या न मानते हुए उनके साथ दोयम दर्जे की जनसंख्या जैसा सलूक होता है और इतिहास गवाह है कि किसी भी देश में दोयम दर्जे की जनसंख्या के साथ उपेक्षा का ही व्यवहार होता है, जैसा पुरुष प्रधान भारत में हो रहा है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण की बात को सिर्फ किताबों और दावों से बाहर निकालकर अपनी व्यवहारिकता में लाने की जरूरत है, तभी असल मायने में महिला सशक्त हो पाए। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल यानी मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।